बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय टमी लाइब्रेरी चैनल। व्यूअर्स, इन दिस लेक्चर नंबर 13 में हम समझेंगे कलर सीआरटी मॉनिटर्स के बारे में और फिर दो मेथड्स को भी समझेंगे, बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड शेडो मास्क मेथड। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखें, ओरिजिनली पहले जो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन थी वो एक ही कलर की हुआ करती थी। एग्जाम्पल, जैसे अगर ग्रीन फॉस्फर कोटेड मॉनिटर्स हैं तो उसमें ग्रीन फॉस्फर मॉनिटर्स में ग्रीन कलर के फॉस्फर की कोटिंग होती थी जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड किया जाता था तो ग्रीन कलर दिखाई देता था। और इसी तरह और कलर्स भी अवेलेबल थे, बट अब इस फॉस्फर कोटेड स्क्रीन की हेल्प से डिफरेंट कलर्स को कैसे डिस्प्ले किया जाए, तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो कलर डिस्प्ले के लिए दो मेथड्स यूज होते हैं। नंबर वन, बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड नंबर सेकेंड, शेडो मास्क मेथड। अब इन दोनों को वन बाय वन समझते हैं। नंबर फर्स्ट, बीम पेनिट्रेशन मेथड। इन बीम पेनिट्रेशन मेथड देयर आर टू लेयर्स ऑफ फॉस्फर, यूजुअली रेड एंड ग्रीन आर कोटेड इनसाइड ऑफ द सीआरटी स्क्रीन एंड द डिस्प्लेड कलर डिपेंड्स ऑन हाउ फार द इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स इनटू फॉस्फर लेयर और the electron beam penetrate to a certain limit into the coating of phosphor of different colors in order to generate colors. So beam penetration method में ये होता है कि phosphor की एक से ज़्यादा coating use होती हैं। Screen का जो envelope है उसके अंदर वाली side पे जहाँ phosphor coated पहले एक थी वहाँ पर अब दो कोटिंग यूज हो रही हैं। और अगर एक कोटिंग रेड फॉस्फर की हैं और दूसरी ग्रीन की हैं तो इन दो कोटिंग से डिफरेंट कलर हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को डिफरेंट वे से पेनिट्रेट किया जाता है। अगर सिर्फ रेड कलर डिस्प्ले करना है तो बीम को इस तरह बम्बार्ड किया जाता है कि वो सिर्फ रेड कोटिंग को एक्साइट करें, और अगर ग्रीन कलर दिखाना है तो उसको इतना डीप पेनिट्रेट किया जाता है कि वो ग्रीन फॉस्फर को एक्साइट कर दें। और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बीम को बम्बार्ड करके कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन, मींस इन विच वन वुड हैव रेड देन ग्रीन एंड द अदर वन वुड हैव मोर ग्रीन देन रेड, वो कलर्स भी इससे हासिल किए जा सकते हैं। सो इस मेथड को बीम पेनिट्रेशन मेथड कहते हैं। सो बीम पेनिट्रेशन मेथड में अगर दो कलर की कोटेड फॉस्फर के ऊपर यूज करें तो फोर डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। तो ये कलर्स इस पे डिपेंड करते हैं कि हमने किस कलर के फॉस्फर यूज किए हैं। नेक्स्ट, नंबर सेकेंड मेथड इज शेडो मास्क मेथड। शेडो मास्क मेथड टू प्रोड्यूस्ड अ मच मोर रेंज ऑफ कलर्स देन बीम पेनिट्रेशन मेथड। इन दिस सीआरटी हैज थ्री फॉस्फर कलर्स डॉट्स। वन फॉस्फर डॉट्स इमिट्स अ रेड लाइट, सेकेंड इमिट्स अ ग्रीन लाइट एंड थर्ड वन इमिट्स अ ब्लू लाइट एट ईच पॉइंट ऑन द स्क्रीन। शेडो मास्क मेथड आजकल यूज हो रहा है और पॉपुलर भी हैं। इस शेडो मास्क मेथड में ये होता है कि स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे फॉस्फर कोटेड चाहिए वो कोटिंग एक कलर की नहीं होती, बल्कि इस तरह होती हैं कि हर एक पोजीशन थ्री डिफरेंट फॉस्फर कोटिंग पे डिपेंड करती हैं या थ्री डिफरेंट कलर डॉट्स ऑफ फॉस्फर पर डिपेंड करती हैं। मींस एक पोजीशन को एक पिक्सल कह रहे हैं, तो हर एक पिक्सल
जिस जगह होगा उस जगह हमें अब तीन डिफरेंट कलर्स के फास्फर के डॉट्स मिलेंगे और हम इलेक्ट्रॉन बीम हर एक डॉट के लिए अलग-अलग जनरेट करेंगे और अलग-अलग बम्बार्ड करेंगे। तीन कलर्स जो यूज किए जाते हैं वो आरजीबी मींस रेड, ग्रीन एंड ब्लू हैं और इस वजह से आरजीबी मॉनिटर्स का कॉन्सेप्ट आता है। आरजीबी इन तीन कलर्स के लिए तीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं जिनको एक शेडो मास्क जो कि फिल्टर लाइक मास्क हैं उसके थ्रू पास करके बम्बार्ड करते हैं ऑन दी डिजायर्ड पिक्सल लोकेशन ऑन दी स्क्रीन। फास्फर कोटेड स्क्रीन इस पिक्चर में तीन डिफरेंट कलर्स के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तीन डॉट जो नजर आ रहे हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू, वो एक्चुअल में एक पार्टिकुलर पिक्सल पोजीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि जब इनमें से एक को भी इल्यूमिनेट किया जाए तो सिर्फ वही दिखाई देता है उस पोजीशन पे, बाकी दोनों का कलर वहां पे नजर नहीं आता। सो हमें अगर किसी एक पिक्सल पोजीशन पर सिर्फ रेड कलर को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए सिर्फ रेड कलर वाली इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड करेंगे जो कि रेड कलर वाले फास्फोर कोटेड डॉट्स को रोशन कर देगा। इस केस में ब्लू एंड ग्रीन वाली इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड नहीं हो रही होगी, बट अगर हमें ब्लू कलर चाहिए तो जस्ट ब्लू पर इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करेंगे, रेड एंड ग्रीन को बम्बार्ड नहीं करेंगे। बट इन तीन कलर्स की वजह से होता ये है कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कलर चाहिए, उसके लिए डिफरेंट इंटेंसिटी की बीम को यूज करके डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर ग्रीन ज्यादा चाहिए तो ग्रीन पर हायर इंटेंसिटी की बीम बम्बार्ड हो जाती है और ब्लू पर लोअर की और रेड पर भी लोअर की इंटेंसिटी की बीम बम्बार्ड हो जाती है। फिर हम इनका एक कॉम्बिनेशन कलर बना सकते हैं। तो जो कलर्स की रेंज है वो डिपेंड करती है कि हम कितने डिफरेंट लेवल तक इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कर सकते हैं इंटेंसिटी के टर्म्स में। अगर फॉर सपोज हमारे पास हर एक पोजीशन के लिए दो डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू हो तो 3/2 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, राइट? सो व्यूवर्स आज के लिए दैट्स ऑल। प्लीज शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।